डिस्कस करेंगे ग्रामर के एक टॉपिक को, जंबल वर्ड को, जंबल वर्ड कहें या सेंटेंस रीऑर्डरिंग कहें। सम स्टूडेंट फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेकिन ये इतना भी टफ नहीं है। हाँ, सम टाइम इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग बिकॉज देयर इज नो डेफिनेट रूल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी डेफिनेट रूल नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वी हैव टू सॉल्व इट यूजिंग आर कॉमन सेंस, हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है अपनी ही कॉमन सेंस को यूज करके। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जितने भी हम सेंटेंसेस लिखते हैं या बोलते हैं उनके कुछ पार्ट्स होते हैं, और वो पार्ट्स किस तरह से होते हैं हम देखते हैं। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो किसी काम को कर रहा होता है। जैसे कि मैं कहूं आई एम टीचिंग यू, तो हु इज टीचिंग यू, आई। तो सेंटेंस कहां से स्टार्ट है, आई से, तो आई इस सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कोई भी हो सकती हैं, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और जितने भी मोडल्स हैं, जैसे कि मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, एटसेट्रा। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है, एक्शन वर्ब। और एक्शन वर्ब क्या होती है, जितने भी हम वर्ड बोलते हैं जिनके पीछे ना आता है, जैसे खाना, पीना, उठना, सोना, जाना, ये सब एक्शन वर्ब है। जैसे खाना, इनकी तीन फॉर्म होंगी, ईट, एट, इटन, सोना, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, डिसाइड करना, फैसला करना, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड, ये सब एक्शन वर्ब हैं। और एक्शन वर्ब के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, जिन पर वो काम हो रहा है। जैसे मैंने आपको सेंटेंस बोला आई एम टीचिंग यू, तो आई तो क्या हो गया, सब्जेक्ट, और यू जिनको पढ़ाया जा रहा है वो क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। और बाकी अदर वर्ड्स, जो बाकी वर्ड्स होते हैं उसके बाद आते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर नीचे एक सेंटेंस लिखा है, माई टीचर हैज ट्रेन्ड मी टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो माई टीचर जो इसमें काम कर रहा है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैज इसमें क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, और ट्रेन जिनकी तीन फॉर्म होती हैं वो क्या हो गई, एक्शन वर्ब, मी इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और बाकी जो वर्ड बचे वो क्या हो गए, टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। अगर सेंटेंस हम इतना बना लें, हमें कुछ पता चल जाए कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो बाकी उसके बाद हम कॉमन सेंस लगाकर सेंटेंस को देख सकते हैं कि वो सुटेबल सेंटेंस बना या नहीं बना। तो सबसे अच्छा तरीका है, हम रफ में पहले सेंटेंस को बना लें और देख लें, वो सेंटेंस अगर सही बना है तो फिर उसका फेयर वर्क करें। और इस चीज का भी ध्यान रखें, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो उसका जो पहला वर्ड है, पहला अल्फाबेट है, वो कैपिटल ही होना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप भी आना चाहिए। अब हम एग्जांपल को देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल में मैंने ये जंबल वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे कि एंड स्पेस, कंकर्ड, एयर टाइम, वी हैव, हेल्प ऑफ, विद द, साइंटिफिक इन्वेंशंस। हमें सबसे पहले क्या देखना है, आपको इस पूरे सेंटेंस में ये जो जंबल वर्ड है इसमें सब्जेक्ट क्या लग रहा है। सब्जेक्ट हमें क्या लग रहा है, वी, तो वी के साथ ये क्या लगी हुई है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो वी क्या है, सब्जेक्ट। तो हमने क्या लगा दिया, पहले वी, फिर इसके साथ ये लगी हुई थी क्या, हेल्पिंग वर्ब, तो वी हैव। अब ये हैज हैव है, तो इसके बाद क्या आएगी, जब हेल्पिंग वर्ब लग जाती है तो उसके बाद क्या आती है, ये मेन वर्ब, एक्शन वर्ब। तो इसमें एक्शन वर्ब क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो कौन सी है, एक तो हेल्प भी है, लेकिन हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगती है, तो हेल्प इसलिए आ नहीं सकती। तो थर्ड फॉर्म इसमें कौन सी है, कंकर्ड, तो हम क्या लगाएंगे, कंकर्ड। तो हमने क्या लगाया, कंकर्ड, वी हैव कंकर्ड। तो इससे हमें थोड़ी सी सेंस का पता लग गया सेंटेंस की, कि हमने कंकर्ड कर लिया है, हमने जीत लिया है। किसको जीत लिया है, आगे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एयर, कॉमा लगा हुआ, टाइम, एयर को जीत लिया, टाइम को जीत लिया, और फिर उसके बाद एंड स्पेस, और स्पेस को जीत लिया है विद, ये प्रेपोजिशन लग गई विद, किसके साथ जीत लिया है, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस, साइंटिफिक इन्वेंशंस। अगर इस सेंटेंस को भी हम ध्यान से पढ़ें तो वी क्या है, सब्जेक्ट है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, कॉनकॉर्ड क्या है, ये इसमें एक्शन वर्ब है।
तो उसके बाद ये जो एयर, टाइम, स्पेस, इनको हमने जीत लिया है किसकी हेल्प के साथ, साइंटिफिक इन्वेंशंस की हेल्प के साथ। अगर हमारे से आधा सेंटेंस भी बन जाता है तो हमें ये समझ में आ जाता है कि बाकी का कैसे बनेगा, मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनेगा। कई बार क्या होगा, कई सेंटेंसेस में उसमें क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगी, मेन वर्ब आ जाएगी, एक्शन वर्ब आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं जो ऐसा ही है। नेक्स्ट सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें दे रखा है लाइट अप इन एवरी होम, गुड द लैंप, बुक्स, मैगजीन्स एंड ऑफ नॉलेज। अब क्या है इसमें, आपको सब्जेक्ट क्या लग रहा है, पहले हम बना के देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, गुड बुक्स एंड मैगजीन्स, गुड बुक्स एंड मैगजीन्स। हो सकता है तुम्हें शुरू में पता ना लगे कि शुरू में गुड लगेगा, तो आप पहले बुक्स लगा सकते हैं, बुक्स एंड मैगजीन। जब सेंटेंस थोड़ा सा कंप्लीट होगा तो आपको पता लग जाएगा कौन सा वर्ड कहां पे फिट होना है। तो जैसे हमने लगाया गुड बुक्स एंड मैगजीन्स, तो उसके बाद यहाँ पे इस पूरे के पूरे सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब है। मेन वर्ब कौन सी है, लाइट अप, जगमगाना, जलाना। तो गुड बुक्स एंड मैगजीन्स लाइट अप, वो लाइट अप कर देती हैं। और लाइट अप किसको करेंगी, ये तो कॉमन सेंस है, लैंप को। तो लाइट अप द लैंप, लैंप ऑफ, ये हमने प्रेपोजिशन लगाई, लैंप कौन सा, लैंप ऑफ नॉलेज, नॉलेज के लैंप को। फिर बाकी जो बचे हुए वर्ड हैं वो क्या है, इन एवरी होम, इन एवरी होम, गुड बुक्स एंड मैगजीन्स, अच्छी किताबें और मैगजीन्स जला देती हैं नॉलेज के लैंप को हर घर में। इस सेंटेंस की सेंस ऐसे बन गई। अब हम आगे देखते हैं, आगे सेंटेंस है टीथ वन द नेग्लेक्टेड ऑफ बॉडी द आर ऑफ मोस्ट पार्ट्स। अगर हम इस सेंटेंस को देखें इसमें सब्जेक्ट क्या है, अब सब्जेक्ट टीथ भी हो सकता है, सब्जेक्ट बॉडी भी हो सकता है, सब्जेक्ट वन भी हो सकता है। तो अब हमने इसको सेंटेंस को पहले लगाकर देखेंगे कि कौन सा वर्ड कहां पर फिट बैठेगा। हो सकता है एक या दो बार आपसे गलती हो जाए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, सेंस लगाएंगे, तो सेंटेंस बिल्कुल सुटेबल बन जाएगा। पहले इसकी सेंस को समझें। अब हमने सब्जेक्ट लिया, सपोज पहले टीथ, टीथ, टीथ इसलिए लिया क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, आर। अब हम बॉडी तो ले नहीं सकते क्योंकि बॉडी तो सिंगुलर है, उसके साथ तो आर लगेगा नहीं, वन भी सिंगुलर है उसके साथ भी आर नहीं लगेगा, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, टीथ ही लेना पड़ेगा, टीथ आर। जो टीथ है वो क्या है, आगे क्या लिया, वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट्स। तो वो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट्स ऑफ किसके, द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो अगर शुरू में ही हमारे से सेंटेंस कुछ सही बन जाता है, जैसे हमने लगाया टीथ, यहां तक तो हमें पता है टीथ के बाद आर ही लगेगा क्योंकि टीथ प्लूरल है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टीथ क्या है, वन ऑफ द मोस्ट, मोस्ट क्या, नेग्लेक्टेड पार्ट्स, और ये प्लूरल ही होता है। जब भी ऐसे सेंटेंस आते हैं वन ऑफ द, जैसे मैं कहूं वन ऑफ माई फ्रेंड इज ए डॉक्टर, तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, हम ये नहीं कह सकते, हमें ये कहना है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक वो क्या है, डॉक्टर है। तो उसी सेंस को हम यहां यूज कर रहे हैं कि जो टीथ है वो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट्स, जो हमारी बॉडी में जिनको हम नेग्लेक्ट करते हैं उनमें से जो टीथ है वो सबसे ज्यादा उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, आइसक्रीम अ गुड वे, अ हॉट डे, ईटिंग ऑन कैन बी कूल ऑफ टू। कई बार जो सब्जेक्ट होगा वो कैसे होगा, जेरेंड होगा, जेरेंड हम किसे कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो भी सब्जेक्ट का काम करते हैं। अब इस सेंटेंस में हमें कोई भी सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, ही, शी, वी, दे, तो ज्यादातर ऐसे सेंटेंस में क्या होगा कि जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहां पे है, ईटिंग, तो हमने क्या लगाया, ईटिंग, क्या ईटिंग, आइसक्रीम, ईटिंग आइसक्रीम, कब खाना आइसक्रीम को, ऑन अ हॉट डे, ऑन
अ हॉट डे, ये सब्जेक्ट हो गया ईटिंग आइसक्रीम। तो ईटिंग आइसक्रीम अब आपने उसके बाद लगाया ऑन अ हॉट डे। कई बार हमें नहीं समझ में आएगा कि ऑन ए हॉट डे कहाँ लगाना है, हम ऐसे भी बनाएंगे। ईटिंग आइसक्रीम कैन बी अ गुड वे टू कूल ऑफ ऑन अ हॉट डे, तो ये सेंटेंस भी ठीक है। जब आपको ऐसा लगे कि ये भी सेंटेंस सही लग रहा है और ये भी सेंटेंस सही लग रहा है, दो सेंटेंस ऐसे सही लगे, तो आप उसमें से देखें कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है और वही वाला आंसर आप लिखते हैं। अब इस सेंटेंस में हमने क्या यूज किया, सबसे पहले सब्जेक्ट ईटिंग, ईटिंग क्या आइसक्रीम। अब आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते थे जैसे मैंने आपको पहले बताया, ईटिंग आइसक्रीम कैन बी ए गुड वे, वो अच्छा वे हो सकता है टू कूल ऑफ, कूल ऑफ होने का कब, ऑन ए हॉट डे, एक गर्म दिन को। या फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं, ईटिंग आइसक्रीम ऑन ए हॉट डे कैन बी ए गुड वे टू कूल ऑफ, तो ये दोनों ही ठीक है। कई बार दो तरीके से भी सेंटेंस बनते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से रिलैक्स होकर देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, ज्यादातर सेंटेंस में यही कॉन्सेप्ट यूज होगा कि पहले क्या लगेगी सब्जेक्ट, फिर क्या होगी हेल्पिंग वर्ब, फिर एक्शन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। कभी कभार ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, एक्शन वर्ब लगेगा। कई बार ये जो सब्जेक्ट है वो ऐसे भी आ सकता है जैसे कि मैंने तुम्हें बताया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसे जेरेंड बोलते हैं। और कई बार इंपेरेटिव सेंटेंस भी आ सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं गो एंड डू दिस वर्क, तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ये शुरू में ही फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में, ज्यादातर सेंटेंसेस में ये जो मैंने आपको रूल बताया है ये काम करेगा। और इसमें से आप थोड़े से भी सेंटेंस को आधा भी बना लेते हैं तो उसके बाद जो आधा सेंटेंस है आप अपनी कॉमन सेंस लगाकर सुटेबल मीनिंगफुल सेंटेंस बना पाएंगे। स्टूडेंट्स मैं होप करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी जंबल वर्ड्स को।